नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के चूलाघाट के मजीरकाणा चौड़ीगाड़ के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, जिससे वन संपदा को खासा नुकसान हुआ है। क्षेत्र के जंगलों में आग चौड़ीगाड़ से लेकर लेक गांव के कमेट पानी तक पहुंच गई। चौड़ीगाड़ निवासी मदन भट्ट का कहना है कि गांव के जंगल में भीषण आग लगने से जंगल के जानवर गांव के आसपास दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने शीघ्र आग पर काबू पाने की मांग विभाग से की है। पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में प्रभावी आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत पुलिस द्वारा 11 लोगों के विरुद्ध 107, 116, 110 जी सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की गई। लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने और शराब के नशे में वाहन चलाने पर कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने तथा मिशन मर्यादा के तहत कुल 115 लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई। इधर आगामी लोकसभा निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस कंट्रोल रूम में सीसीटीवी के माध्यम से जनपद के समस्त एसएसटी बैरियरों व एंट्री एग्जिट पॉइंटों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। साथ ही ड्यूटी पर नियुक्त कर्मियों द्वारा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हुए सघन चेकिंग की जा रही है तथा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर त्वरित वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर चंपावत जनपद पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देश में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत पुलिस टीम द्वारा लोहाघाट क्षेत्र में 980 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर स्कूटी को सीज किया गया। एसओजी व पुलिस टीम द्वारा एसओजी प्रभारी मनीष खत्री की अगुवाई में डेसली को जाने वाली सड़क पर एक स्कूटी सवार आकाश शाह उम्र 23 वर्ष निवासी लोहाघाट को 960 ग्राम चरस परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। पिथौरागढ़ के खड़ी गली टकाना स्थित मनोज पुस्तक भंडार में जाने क्यों उमड़ी लोगों की भीड़। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहां कॉपी, रजिस्टर एवं स्कूल बैग में 50% की छूट मिल रही है। तो देर किस बात की, ऑफर सीमित समय के लिए है, तो आज ही पहुंचे मनोज पुस्तक भंडार में। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। पिथौरागढ़ नगर के कैंट रोड स्थित श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष प्रवेश शुल्क माफ, मासिक न्यूनतम शुल्क तथा निशुल्क वाहन सुविधा के साथ अपर केजी से सैन्य विज्ञान की पढ़ाई और अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। 30वीं राष्ट्रीय मास्टर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को लेकर खिलाड़ियों ने खुशी व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। बीते 3 से 8 अप्रैल तक हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता में उत्तराखंड से 14 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। 50 से 60 आयु वर्ग में टीम ने इवेंट में केरल हरियाणा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। विपिन कुमार ने व्यक्तिगत मुकाबले में मैच जीत मुख्य ड्रॉ में क्वालिफाई किया। 60 से 65 आयु वर्ग में टीम ने 32 टीम में क्वालिफाई किया। उत्तराखंड टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष चेतन गुरुंग, सचिव प्रिंस ने खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन पर उनके खेल की सराहना की है। उत्तराखंड की टीम में प्रतिभाग कर रहे वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र पुनेठा को एक दैनिक समाचार पत्र ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए प्रायोजित किया था। उनका संघर्षपूर्ण मुकाबला दिल्ली के संजय वशिष्ठ से रहा। प्रतियोगिता से वापस लौटे पुनेठा ने शीघ्र पिथौरागढ़ में भी टेबल टेनिस प्रतियोगिता के आयोजन की बात कही है। टीम में गिरीश छाबड़ा, कमल मोहन पंत, संजय कांडपाल, उपेंद्र उप्रेती, परमजीत नेगी, प्रदीप मेहता, विजय अग्रवाल आदि शामिल थे। पिथौरागढ़ में आज अंजो में हैदरी खान कॉलोनी खड़कोट संस्था द्वारा शहर की हैदरी जामा मस्जिद में अध्यक्ष यूसुफ खान के नेतृत्व में शहर इमाम इमाम जुमा मौलाना तस्पुर चौहरी द्वारा ईद उल फितर की नमाज अदा कराई गई। नमाज अदा करने के बाद देश में चैन अमन की दुआ की गई। मीडिया प्रभारी इमरान अली द्वारा 100% मतदान करने को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए अपील की। इस अवसर पर सचिव इब्राहिम खान मौलाना लियाकत अली, सिकंदर अली, शान अली,
अमान अली, अमीर अली सहित कई लोग मौजूद थे। हरिद्वार जनपद से एक हैरान करने वाली दुखद घटना सामने आई है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में मामूली बात पर घर से नाराज होकर आए नाबालिग भाई बहन ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में मामूली बात पर घर से नाराज होकर आए नाबालिग भाई बहन ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना को लेकर हर कोई हैरान है। मंगलवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि लालपुर रेलवे पटरी ट्रेन से टकराकर एक लड़का और एक लड़की की मौत हो गई। सूचना पाकर SSI राजेश बिष्ट, SI प्रदीप कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। GRP और RPF की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर आसपास के लोगों को बुलाकर शिनाख्त करने पर मृतक की शिनाख्त भाई समीर 16 वर्ष और बहन अलीसवा 14 वर्ष के रूप में हुई। बताया गया कि मंगलवार की रात दोनों भाई बहन मामूली बात पर घर से नाराज होकर निकल गए थे। इसके बाद उनका कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस के अनुसार मृतक भाई बहन के पिता ट्रक चालक हैं और घटना के वक्त वह शहर से बाहर थे। नाबालिग भाई बहन के आत्महत्या करने से परिवार और आसपास के लोगों में कोहराम मचा हुआ है। हर कोई इस घटना को लेकर हैरान है। ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी रमेश सिंह तनवार ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है। जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चले आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।